हाय फ्रेंड्स, सेशन स्टोरीज चैनल में आपका वेलकम। एंड आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड पिछला वीडियोस आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिए, और आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। एंड चलिए आज की स्टोरीज हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरीज है आत्मबल मनोबल। हम मनोबल के ऊपर आज की जो है स्टोरीज बता रहे हैं। इस वीकेंड की स्टोरीज में रहेगा कि जो लोग अपने मनोबल को बहुत जल्दी खो देते हैं, कि किसी की बातों में आकर अपना मनोबल को छोटा कर लेते हैं, एंड जो कार्य करने के लिए जा रहे हैं वो कार्य से अपना को पीछे हो जाते हैं, अपने आप को मुंह मोड़ लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बेस्ट स्टोरीज साबित होगी। एंड स्टोरी का जो ट्विस्ट है वो सबसे आखिरी में रहेगा, तो प्लीज स्टोरीज को पूरा देखिएगा। आज की स्टोरीज है, एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक का निवास करते थे। तो उस सरोवर को जिस राजा ने बनवाया था, उसी राजा ने वहां एक सरोवर के बीचों बीच एक खंभा, बहुत बड़ा सा एक मीनार टाइप का बनाया हुआ था। रोज रोज मेंढक उसको देखा करते थे और सोचते थे कि क्या इस मीनार पर हम चढ़ सकते हैं, हम इस मीनार पर चढ़ने की कोशिश करना चाहिए, क्या हम ऊपर तक पहुंच पाते हैं। ऐसी बात करते करते धीरे धीरे एक दिन सारे मेंढकों का ग्रुप बनाकर सब बैठे हुए थे, उसमें बात होने लगी, चर्चा होने लगी सब मेंढकों के बीच। तो उन्होंने सबने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला कि एक निश्चित दिन कर लेते हैं, निश्चित समय पे हम एक रेस करेंगे, जिस रेस में जो सब में से आखिरी में उस मीनार पे सबसे पहले जो चढ़ेगा वो विनर होगा, और हम सभी का वो मतलब बोलते हैं क्या बोलते हैं राजा होगा। तो इसी को देखते हुए एक दिन निश्चित किया गया, समय निश्चित किया गया, और रेस की तैयारियां पूरी जोर से पूर्ण हो गई। उस सरोवर में सारे मेंढक इकट्ठे हो गए और पूर जोर से चढ़ने की रेस की तैयारियां अंतिम दौर पर पहुंची। बातें होने लगी तरह तरह की, अरे इसके ऊपर तो कैसे चढ़ा जाएगा, बहुत ऊंची है, इस पर तो चढ़ना असंभव है, इस पर कोई चढ़ ही नहीं सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोगों की प्रकृति ऐसे ऊपर इस तरीके से चढ़ने की नहीं है, हम चढ़ ही नहीं पा सकते। इस तरह की नेगेटिव बातें होने लगी और नकारात्मक बातों को देख कुछ लोगों के हौसले पस्त होने लगे। धीरे धीरे जो आखिरी में मेंढक बचे हुए थे वो सब रेस स्टार्ट हुई, लोग चढ़ सारे के सारे मिलकर सब बातों को नेग्लेक्ट कर धीरे धीरे सब आगे बढ़े। अंतिम में जैसे ही सब चढ़ने लगे, कोई थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ा, कोई गिर गया, कोई चढ़ा कोई गिर गया, ऐसे करते करते कुछ आधी दूरी तक गए, फिर धड़ाम से नीचे गिर गए, फिर हौसला बढ़ाया, फिर चढ़े। ऐसा देखते हुए धीरे धीरे उस ग्रुप के मेंढकों में आपस में बातें होने लगी, अरे देखो हमने मना किया था फिर भी चढ़ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, कोई भला इतनी ऊपर तक चढ़ सकता है, इस तरह की बातें हुई। अंतिम में सब बातें देखकर सुनकर एक मेंढक सोच रहा था कि ऐसा क्या है ऊपर जिसकी होड़ लगी हुई है कि हमें चढ़ना, ऐसी क्या चीज लेना चाहते हैं ऊपर चढ़ के, क्यों ना मैं भी इसमें अपना हाथ आजमाऊं। वो छोटा सा मेंढक आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते वो मीनार के पास पहुंचा। लोग कहने लगे, अरे हम इतने बड़े बड़े मेंढकों से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये छोटा सा मेंढक क्या कर लेगा, कैसे चढ़ेगा। सब बोलने लगे, भाई रहने दे तेरे बस की नहीं है। इधर उधर से आवाज आने लगी कि ये फिर वही नकारात्मक सोच कि ऐसा नहीं हो सकता है, कोई चढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और मीनार पर चढ़ने लगा। लोग कहने लगे, मत चढ़ भाई, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं चढ़ पाएगा, हम भी गिर चुके हैं और बाकी लोग भी गिर रहे हैं चढ़ रहे हैं। वह धीरे धीरे चढ़ता गया, आधी दूरी तय करने से बाद वो और ऊपर चढ़ने लगा तो बाकी लोग जितने भी मेंढक इकट्ठे थे वो सबकी नजर उसी के ऊपर जमी हुई थी कि भाई हम तो आधी दूरी तक भी चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, ये मेंढक आधी से भी ऊपर चढ़ गया। फिर सब देखने लगे एक टकाटक, ये कैसे हुआ, कैसे चढ़ा, करते 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 आखिरी में वो मेंढक सबसे अंतिम छोर पर जाकर बैठ गया। ऐसा देख नीचे से आवाज आई, ये कैसे हुआ, कैसे चढ़ा, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पोसिबल था, इसने कैसे कर दिखाया, ये कैसे चढ़ गया। पीछे से एक आवाज आई कि जो मेंढक ऊपर चढ़ा हुआ है वह बहरा है, कहानी का ट्विस्ट यही है, ये एक कहानी का आधार है कि वह मेंढक बहरा था। समझिए इस बात को, उसने बहरा था यानी कि उसने जितनी भी उसकी पीछे जितनी भी बातें हो रही थी,
300 पॉसिबल है, नहीं चढ़ सकता है और कोई चढ़ ही नहीं सकता है, ऐसा कैसे होगा, ये सब बात उसने नहीं सुनी। उसे सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी कि लोग ये सारे मेंढक ऊपर चढ़ रहे हैं और गिर रहे हैं, तो इनसे चढ़ा नहीं जा रहा, तो क्यों ना मैं भी कोशिश करूं ऊपर चढ़ने की और ऊपर जाकर देखूं कि ये क्या प्राप्त करना चाहते हैं ऊपर चढ़ के, तो क्यों ना मैं भी अपना हाथ आजमाऊं। और उसने कोशिश करते करते वो ऊपर चढ़ गया। उसने इन सब की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वो सुन ही नहीं सकता था। तो ऐसा ही हमारे निजी जीवन में भी होता है कि हम कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ करने की इच्छा करते हैं, ये कुछ भी नया अपने दिमाग में लाते हैं, कुछ करते हैं या कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो लोग उन कहते हैं भाई तेरे बस का नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा, ये हो नहीं सकता है, आज तक तो किसी ने किया नहीं है तो तुम कैसे कर सकते हो। तो इस तरीके की नकारात्मक सोच को एक तरफ रखिए और आगे बढ़िए कुछ अच्छा करने के लिए, पॉसिबल हो सकता है, आपके अंदर हर तरह की हिम्मत है।